नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थान पर अवस्थित होने के कारण ये केवल लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय है। वाइल्ड लाइफ वीक के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के डिजिटल इंडिया के मिशन से प्रभावित होकर के संभवतः देश का पहला प्राणी उद्यान नवाब वाजिद अली शाह जिसको हमने डिजिटल इंडिया मिशन से जोड़ा। जब मैं गया था अप्रैल 2018 में तितली पार्क का उद्घाटन करने के लिए, उसमें यहाँ के लोगों ने डिमांड किया था देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन से की तरह इसे जोड़ने की। आज मुझे खुशी है कि ऐप के माध्यम से ऑडियो टूल, वीआर और एआर की सुविधा हमने यहाँ उपलब्ध कराई है। स्मार्टफोन के द्वारा आपको बाड़े के पास जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल जानवरों के बारे में जानकारी अपने आप प्राप्त होती रहेगी। वीआर के द्वारा आपको लगेगा कि हम बाड़े के अंदर हैं, जानवरों के बीच में हैं, जानवरों के पास खड़े हैं, ऐसा आपको एहसास होगा। एआर के माध्यम से किसी भी चीज का, जैसे मछली का एक्वेरियम है, मछली आप देखते हैं, अगर उसकी फोटो स्कैन करेंगे अपने स्मार्टफोन पे तो उस मछली के बारे में आपकी डिटेल जानकारी आपको मिलती रहेगी। और नए वेबसाइट को आधुनिक तकनीक से हमने आज लॉन्च किया है, जिससे घर बैठे आपको इस प्राणी उद्यान के बारे में जानकारी मिलेगी। घर बैठे बैठे आप बुकिंग करा सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। और यह प्राणी उद्यान, मैं इसके लिए बधाई दूंगा अपने जू के डायरेक्टर सहित सभी कर्मचारियों का, जिन्होंने पर्यावरण के प्रबंधन में ऐतिहासिक काम करने के नाते देश का पहला प्राणी उद्यान है जिसे एक नहीं तीन तीन आईएसओ की सर्टिफिकेट से इसे सम्मानित किया गया। तो आज हम लखनऊ सहित पूरे प्रदेश और जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, देश का पहला प्राणी उद्यान जिसको हमने नई तकनीक से जोड़ा है उसको देखिए और उसे लाभ उठाइए।